क्या आप जानते हैं कि मेरे चेहरे पर इतना ग्लो कैसे आया, किस चीज़ को मैंने यूज़ किया, क्या किया? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आई हूं और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं एक फेशियल जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर ग्लो नहीं है, आपके चेहरे पर टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर आपके चेहरे पर ओपन पोर्स की आपको प्रॉब्लम है, या आपकी स्किन जो है अनइवन है, तो इन सारी बातों का जो सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए जिससे कि आप जान पाए कि क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो को इस फेशियल को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और दोनों चीज़ें हमारे घर में ही आपको मिलेंगी और हम डेली इस्तेमाल भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ दोस्तों, और वीडियो फुल वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनको इस फेशियल को बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं वो मैं आपसे पहले बता देती हूँ। इस समय आप देख सकते हो मेरे जो हेयर्स हैं उन पर मैंने ऑयलिंग की है, लेकिन ये फेशियल को मैं 2-3 सप्ताह से जो है ट्राई कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इसका। तो मैं करने जा रही थी तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर किया जाए इसको। और जो ये फेशियल है इसको हम बना कर भी रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है, तो सबसे पहले देखिए, ये गुलाब जल है, ये हनी का डब्बा है, लेकिन गुलाब जल इसमें है अंदर, क्योंकि गुलाब जल का जो मैंने रिव्यू भी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो, मैं लिंक दे दूँगी। तो और यहाँ पर दूसरा मैंने लिया है ये डाबर हनी। डाबर हनी भी सबके पास होता है और गुलाब जल भी सबके पास होता ही है। तो चलिए बना लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम डालेंगे हनी। और दोस्तों, एक वीडियो और आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वो वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने अपने हेयर्स पे ऑयलिंग की है, तो ये जो तेल मैंने बनाया है बहुत ही अच्छा तेल है। दोस्तों, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। ये वीडियो मेरे चैनल पर आएगा तो आप ज़रूर देखना, मैं इसे जल्दी अपलोड करूँगी। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 चम्मच हनी। इस तरीके से देखिए, मैंने ये हनी ले लिया और इसे हम इसमें डाल लेंगे। और उसके बाद हम लेंगे गुलाब जल। इसे भी हम 1 चम्मच भर के डालेंगे इस तरीके से, और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और दोस्तों, इसको आप बनाकर भी रख सकते हो। अगर आपको जैसे 1 वीक के लिए बनाकर रखना है तो आप इसे बनाकर भी रख सकते हो। जैसे कि अक्टूबर चल रहा है तो सर्दियां थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई हैं, तो ये हमारी स्किन पर क्लींजिंग का भी काम करता है। दोस्तों, तो इसे हम बना लिया इस तरीके से, मैंने इसको बना लिया, आप देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया है, ये देखिए। तो चलिए आप इसको अप्लाई करके दिखाते हैं आपको कैसे इसे अप्लाई करना है। और दोस्तों, आप तो जानते ही हो गुलाब जल हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, और हनी बहुत अच्छा होता है। हनी का यूज़ मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। जैसे कि अक्टूबर चल रहा है तो मेरी स्किन अब ड्राई होना शुरू हो जाएगी, और जब गर्मी आती है तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है। तो मेरी दोनों तरीके की स्किन है दोस्तों, और ये जो मैं फेशियल शेयर कर रही हूँ ये ऑल स्किन टाइप से, इसे कोई भी कर सकता है। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद हम कॉटन की हेल्प से, ये मैंने कॉटन लिया है, और इसको हम इस तरीके से डिप करेंगे इस तरीके, और अपने चेहरे पर जो है फेशियल करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें कम से कम 2 से 5 मिनट तक करना है दोस्तों। इस तरीके से बार बार हमें डिप करना है, और उसके बाद हमें इसी तरीके से फेशियल करना है। और इस फेशियल को हम रोज़ कर सकते हैं, डेली जब भी आपको समय मिले आप इस फेशियल को कर सकते हैं। ये जो हनी है ये हमारी स्किन पर मॉइस्चराइज़ करेगा, हमारी स्किन को डीपली क्लीन करेगा। और जो रोज़ वाटर है, ये तो आप जानते ही हो, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि रोज़ वाटर तो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता ही है।
ये हमारी स्किन को टोन करता है, हमारे जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उनको दूर करता है, और हनी में लाइटनिंग एजेंट होते हैं जो कि हमारी स्किन को अंदर से क्लीन करके उसको एकदम फेयर बनाता है। तो इस तरीके से हम करेंगे 5 मिनट तक, और इसे हमें डेली करना है। आप चाहो तो सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हो दोस्तों। ये हमारी स्किन पर एक क्लींजिंग की तरह भी काम करता है, हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है ये, और हमारी टैनिंग की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। जिसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, कहीं काला हो जाता है, कहीं गोरा हो जाता है, अगर वो इसका डेली यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे चली जाती है। तो जहाँ जहाँ आपके बहुत बहुत ज़्यादा काला काला है या पिंपल्स की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अक्टूबर शुरू हो गया है, तो आप इसको डेली यूज़ करें तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, मॉइस्चराइज भी रहेगी। और जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, सर्दियों में भी जिसको ऑयल आता है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा फेशियल है। जैसे कि करवा चौथ आने वाला है दोस्तों, तो आप इसको अभी से ट्राई कर देंगे, और इसे कम से कम आप 15 दिन तक तो लगातार करके देखिए, आपको बहुत आसानी से इसका रिजल्ट भी मिलेगा और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसको बनाना तो कितना आसान है, आपने देख लिया है, 2 मिनट में बनता है, 2 मिनट भी नहीं लगता है इसको बनाने में। तो इस तरीके से हम मसाज कर लेंगे, और इसको मसाज करने के बाद हमें कम से कम इसे 5 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है। हम जब भी क्लींजिंग करते हैं तो हम अपने कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करते ही हैं, चाहे वो रोज़ वाटर हो या फिर कुछ और हो, तो जब भी हमें अपने चेहरे की क्लींजिंग करनी हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है, हमारे जो पोर्स होते हैं उनको अंदर से जाकर क्लीन करता है। और एक बात और, जब आप इसे लगा लें और इसको जब धो लें आप अपने चेहरे को, उसके बाद आप अपने चेहरे पर कुछ ना कुछ ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों। हमें स्किन ऐसे ही नहीं छोड़नी होती है, क्योंकि हमारे स्किन जब हम फेशियल करते हैं, कोई भी चीज़ लगाते हैं अपने चेहरे पर, उसके बाद हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो उनको बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ ना कुछ जो भी आप लगाते हो, मॉइस्चराइज़र लगाते हो या फिर टोनर लगाते हो, कुछ भी लगाते हो आप ज़रूर लगाएं। तो इस तरीके से हम कर लेंगे पूरे चेहरे पर। आप देख रहे हो मैं लगातार मसाज कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही बता रही हूँ। दोस्तों ऐसे ही हम कोई भी चीज़ नहीं बता सकते आप लोगों को, क्योंकि अगर हम ऐसे ही आपको बताएंगे तो फिर आप ट्रस्ट भी नहीं करोगे। जब तक हम अपने चेहरे पर कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर लेते, हम आपको शेयर नहीं कर सकते और ना ही करते हैं। और मेरी बात, जब तक मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है मैं आप लोगों से बिल्कुल भी शेयर नहीं करती हूँ। अभी मुझे आपसे एक फेस वॉश शेयर करना है, और सॉरी दोस्तों उस फेस वॉश को मैं क्यों शेयर करना है, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उसने मेरे चेहरे पर 2-3 महीने हो गए हैं तब मैंने उसे लिया था, ऐसे ही ले लिया था, मुझे अच्छा लगा। वैसे मैं हिमालय का यूज़ करती हूँ। और एक चीज़ और दोस्तों, इसे आप चाहो तो अपनी बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हो, इस फेशियल को आप कॉटन की हेल्प से अपनी पूरी बॉडी पर लगाइए, अपने हाथों की क्लींजिंग करिए, आप कर सकते हो इसको। क्यों, मैं ज़्यादातर चीज़ें ऐसी बताती हूँ कि आपको आप अपनी बॉडी पे भी कर सकें। तो हमें अपने जहाँ जहाँ आपको लगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा है, और अभी जब मैं इसको साफ़ कर लूँगी उसके बाद मैं दिखाऊँगी आपको अपना फेस कैसा हो जाता है इसको लगाने के बाद। बहुत ही अच्छे से जितनी भी डर्ट होती है वो से भी निकालता है ये। तो अगर आपको हनी लेना है तो आप डाबर का लें दोस्तों, पतंजलि का हनी जो है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा वो, तो आप इसका लेना, डाबर का अच्छा होता है। या फिर आपके पास प्योर है तो आप उसे भी लगा सकते हो, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो ये मेरा फेशियल हो चुका है, अब मैं 5 मिनट तक इसे सुखा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ अपना फेस धोकर। इसी तरीके से हम इसे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद जब हम अपना चेहरा धोएंगे तो आप खुद देखेंगे आपकी स्किन लगेगी एकदम सॉफ्ट एंड क्लीन, आपको खुद ही महसूस होगा। तो दोस्तों देखिए मैंने जो है अपना फेस जो है धो लिया है, और आप देख सकते हो कितनी अच्छी शाइनिंग है, आप देख सकते हो एकदम स्किन ऐसी लग रही है जैसे एकदम सॉफ्ट, पता नहीं हमने क्या लगाया है, बहुत ही अच्छी स्किन हो जाती है इसको ट्राई करने से। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमने अपना फेस जो है अच्छे से धो लिया है, तो उसके बाद जो मेरे हमारे पोर्स होते हैं वो बहुत
ओपन हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप इसी गुलाब जल को लीजिए अपने कॉटन में और लगा लीजिए बस। और आपको फिर आप चाहें तो लगाएं, कुछ भी ना चाहें तो ना लगाएं। तो देखिए मैंने ये ले लिया और अब मैं इसे जो है अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। और आप इसे बनाकर रख सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली बनाकर लगाइए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर लेकिन आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। आप चाहे तो इसे फ्रीज में भी रख सकते हो अगर आपको ठंडा लगाना है तो इस तरीके से, क्योंकि फ्रीज में रखने से क्या होता है, जो हनी होता है वो थोड़ा जम जाता है, अगर आप बाहर रखेंगे तो वो जमेगा नहीं। तो देखिए हमने अप्लाई कर लिया और देखिए हो गया मेरा कितना अच्छा फेशियल, देख सकते हो आप कितना अच्छा ग्लो है। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो अगर आपके स्किन पर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। और ये ऑल स्किन टाइप से आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इन दोनों में से कोई भी चीज़ सूट नहीं करती है दोस्तों, तो आप इसे बिल्कुल मत करना। मैं बिल्कुल भी आपको जो है मना करूँगी, अगर आपको हनी सूट नहीं करता है, अगर गुलाब जल भी सूट नहीं करता है, तो आप इसे छोड़ दें, ना करें। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से दोनों चीज़ें सूट करती हैं तो आप ज़रूर करें दोस्तों। तो बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और मेरा जो फेशियल मैंने आपसे शेयर किया ये कैसा लगा। तो आप इसको डेली यूज़ करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अगर चाहें कि एक दिन लगा लिया, दो दिन छोड़ दिया, तो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। डेली जब कोई चीज़ हम होम रेमेडी लगाते हैं तभी हमें रिजल्ट मिलता है। हम डेली अगर नहीं लगाएंगे तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप कोई भी चीज़ यूज़ करें होम रेमेडी, तो आप डेली यूज़ करें उसको, तभी आप लगा सकते हो। और एक चीज़ और कहूँगी कि आप कोई भी होम रेमेडी, जैसे कि मैं बताती हूँ दो दिन दिन में वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप हर चीज़ को डेली अप्लाई ना करें। जैसे आज फेशियल कर लिया, कल पैक लगा लिया, परसों स्क्रब कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपने स्किन के हिसाब से करना है, जैसे आपको स्किन को अपनी ज़रूरत हो उसी तरीके से करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ की मेरी आईडी है सोनी दिल से दिल तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।